नमस्कार प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जो हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 वो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल है। और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट किया जाता है 0 के, यानी कि इक्वल टू 0 पुट किया जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जब भी हमें कोई इक्वेशन दी जाए जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 और वो इक्वेशन इक्वल टू, वो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हम सॉल्व करके जो एक्स है या वाई है या जेड है, जो भी वेरिएबल उसके अंदर मौजूद है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है हमारा कंप्लीट स्क्वेयर मेथड। और थर्ड है क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड। अब ये तीनों ही मेथड जो है
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसमें मिडल टर्म जो होती है उसको स्प्लिट करके फैक्टर करने के बाद हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है, जबकि इसमें हमें कंप्लीट स्क्वायर इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है कंप्लीट स्क्वायर में और फिर उसे सोल्व करके हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकल के आती है। क्वाड्रेटिक मेथड जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिससे हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वन बाय वन जो है हम तीनों मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं इन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज पे, जहां हम डिस्कस करेंगे कि जो इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसकी पहचान हमें आनी चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये उसे सोल्व करने के बाद जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 रहे, ना 2 से कम हो और ना 2 से ज्यादा। अगर ऐसा है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। अब 4.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है या नहीं। फर्स्ट पार्ट जो है एक्स प्लस वन की स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो ये होल स्क्वायर है, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया और इधर 2x माइनस 6 ये 2x और ये 2x जो है हमारा कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस का 6 इधर आके प्लस 6 हो गया इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने बोला था यदि आपके वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए अब चेक करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स ये गिवन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x सारी वैल्यू एक तरफ लेके जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा तो माइनस का 4x माइनस 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां पे इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है तो ये भी क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड पार्ट
अब ये दे रखा है, इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें इन फैक्टर्स को तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, और इधर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री, ये आ गया। यहां एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर जो है वो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री, ये आया। इसके बाद माइनस एक्स उधर भेजेंगे, माइनस टू भी उधर भेजेंगे, तो इधर जीरो टू एक्स और प्लस एक्स थ्री एक्स, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन। सिंप्लीफाई होने के बाद ये वैल्यू आई। इसमें जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो क्या है, वन है, या वेरिएबल की पावर वन है। मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो टू होगी तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यहाँ पे वन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो थर्ड पार्ट जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फर्स्ट है और सेकेंड है। चलिए अब चलते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस फाइव, ये दे रखा है। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री आएगा, और ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स, ये एक्स स्क्वेयर उधर जाके माइनस, तो टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर आ गया, ये माइनस का फाइव एक्स, इस फाइव एक्स को इधर भेजेंगे, माइनस का फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये जो है हमारी इक्वेशन आ गई, इसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो टू है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन, ये वैल्यू जो है गिवन है। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये टू एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। इस एक्स स्क्वेयर को इधर भेजेंगे तो टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ये माइनस सेवन एक्स, और ये
प्लस का 4, 4x इधर आएगा तो माइनस 7x माइनस 4x, ये प्लस 3 माइनस 5 इधर भेजे तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन आई हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहां जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2। तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिफ्थ पार्ट भी जो है वो, उसमें भी जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिक्स्थ पार्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 की होल स्क्वेयर, ये गिवन है। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 ए माइनस बी की होल स्क्वेयर, इसे एक्सपेंड करें तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a, ये आ गया हमारा। अब यहां पे दोनों तरफ एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 4x इधर आके ऐड हो जाएगा 3x प्लस 4x और ये 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन है वो आई 7x माइनस 3। इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। सिक्स पार्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं। अब सेवेंथ पार्ट देखते हैं। सेवेंथ पार्ट इसमें दे रखा है एक्स प्लस 2 की क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसे एक्सपेंड करें तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू में राइट हैंड साइड जो है वो 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x की क्यूब माइनस 2x। अब ये आ गया हमारा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और ये 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर भेजें तो क्या होगा? ये पूरी इक्वेशन हम इधर भेज देते तो इधर रह जाएगा 0, एक्स क्यूब इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस होगा तो x क्यूब और माइनस 2x, अच्छा ये 6x स्क्वायर उधर जाके माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x और माइनस 8, ये आ गया। तो ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 8, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है क्यूब है,
तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक जो है ये नहीं है। तो सेवंथ पार्ट हमारा एग्जाम्पल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट यहां गिवन है x की क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू की क्यूब, ये गिवन है। ये एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसे एक्सपेंड करें तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वेयर, ये आ गया। अब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू में माइनस एट और माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर और प्लस ट्वेल्व एक्स, ये आ गया। सिक्स एक्स स्क्वेयर उधर भेजें तो सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स स्क्वेयर ये टू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ट्वेल्व एक्स को उधर भेजें तो माइनस एक्स और माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टीन एक्स हो जाएगा, और माइनस एट उधर जाके प्लस का एट हो जाएगा प्लस नाइन इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है हमारी इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो टू है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एट पार्ट जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे वर्ड प्रॉब्लम है वो गिवन है और इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, इसका एरिया जो है वो दे रखा है 528 मीटर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन Twice its breadth। अब breadth को हम मान लेते हैं x। इसकी breadth जो है उसे क्या मान लेते हैं x। और जो length है वो इसकी breadth जो है उसका डबल है और उससे एक ज्यादा है, तो 2x plus 1 ये हमारा इसकी length आ गई rectangle। अब आप जानते हैं कि एरिया जो है रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, है ना, और एरिया की जो वैल्यू दे रखी है वो 528 मीटर स्क्वेयर।
और एल की वैल्यू जो है वो क्या है, 2x प्लस 1 और इनटू बी, बी की वैल्यू जो है वो x, तो 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, ये आ गया 528, इधर भेजते हैं तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब इसमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, हमें दो इंटीजर दे रखे हैं जो कि कंसेक्यूटिव है, तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया हमने। अब जो सेकेंड इंटीजर है उसे मानने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही एक्स प्लस वन हो, है ना। अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर एक्स है तो सेकेंड डेफिनेटली एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है इन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 गिवन है, तो ये लिख दिया हमने। अब इसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इंटीजर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यहां पे इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि मिडल टर्म जो है उसे स्प्लिट कर लो दो पार्ट्स, एक्स के फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है पहले तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो देखो क्या, ये आया माइनस 306 एक्स स्क्वेयर। अब मिडिल टर्म इस तरह से तोड़नी है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 306 एक्स स्क्वेयर आए और इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में से कोई एक क्या है वो क्या बने एक्स। अब ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 306 है। तो 17 और 18। अब यहां पे प्लस का एक्स है तो प्लस का 18 रखेंगे और माइनस का 17, ये आ गया। अब देखो इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आएगा, एक्स, एक्स कॉमन ले तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 8,
अब बाद वाली दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 70, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 18 और इक्वल टू में 0। अब पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, एक्स प्लस 80 ये कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा फर्स्ट पार्ट में एक्स और सेकंड पार्ट में 70 माइनस इक्वल टू 0, ये आ गया। अब दो पार्ट है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहां हमारी 17 आई और यहां एक्स की वैल्यू हमारी माइनस 18। तो अगर आप एक्स 17 लेते हैं तो एक्स प्लस 1 जो है वो 18 हो जाएगी, और यदि आप x की वैल्यू माइनस 18 लेते हो तो x प्लस 1 जो है वो माइनस 17 हो जाएगी। तो दो पेयर आएंगे इंटीजर्स के, माइनस 18 माइनस 17 और 17 18, जिनका जो कंसेक्यूटिव है और जिनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है। पर यहां पे उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव वाला, एक्स की वैल्यू 17 और एक्स प्लस 1 की वैल्यू 18, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन ही, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे माँ और बेटे की एज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो हम मान लेते हैं एज, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स, ये मान। अब एज ऑफ मदर, उसकी माता श्री जो है उनकी उम्र एक्स प्लस 26, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 ईयर की बात करते हैं, तो आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन जो है वो हो जाएगी एक्स प्लस 3, यानी 3 साल बड़ा हो जाएगा रोहन, और एज ऑफ मदर जो है वो हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3, इसमें भी 3 ईयर जो है वो बढ़ जाएंगे, यानी कि एक्स प्लस 20, ये आ जाए। अब 3 साल के बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो ये कहते हैं कि वो दे रखा है 360, तो एज का प्रोडक्ट यानी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29
इक्वल है 360, है ना। अब इसे सोल्व करें तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर आ गया, ये 29x आ गया, ये 3x आ गया और ये 87 आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 360। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वेयर प्लस 32x 87 360 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 273 इज इक्वल टू जीरो। अब मिडल टर्म स्प्लिट करें तो क्या होगा कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट जो है वो माइनस 273 एक्स स्क्वेयर आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट करने पे वैल्यू ये आनी चाहिए और एडिशन उसका 32। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 39x माइनस 7x, अगर इनका प्रोडक्ट करें तो 273 आएगा, माइनस 273 इज इक्वल टू जीरो और इन्हें ऐड करें तो 32 आएगा। अब फर्स्ट जो दो वैल्यू है इनमें से क्या कॉमन आएगा, x, तो ये बचेगा x प्लस 13 और बाद वाली जो दोनों वैल्यू है इनमें से माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 13 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x प्लस 39 कॉमन ले तो ये बच गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इक्वेट करके दोनों पार्टों को सोल्व करें तो एक पार्ट तो हमारा क्या है, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक की वैल्यू तो x की हमारी माइनस 39 आई जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव एज हो नहीं सकती, और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 सोल्व करें तो ये x की वैल्यू हमारी 7 है, यानी कि रोहन जो है वो 7 साल का है और इसकी माता श्री जो है 33 ईयर्स ओल्ड है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट है। अब चलिए चलते हैं पार्ट 4, फोर्थ पार्ट। अगर इस क्वेश्चन के अंदर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं।
अब फोर्थ पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर। यहां दो पॉइंटों के बीच की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर, ये दूरी है। इफ दी स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड दी स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हम मान लेते हैं जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तो जो टाइम है, टाइम का जो फॉर्मूला होता वो क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है ना? तो टाइम फर्स्ट केस में क्या आया हमारा? इसे टाइम वन मान लेते हैं, यानी पहला केस। डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो ये टाइम वन है, ठीक है। अब सेकंड टाइम में वो ये कहते हैं कि उसने स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है, तो डिस्टेंस तो अब भी वही ट्रेवल कर रहा है पर अब की बार जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम है। और उसने बोला है कि अब टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, यानी कि पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो T2 की वैल्यू जो है 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स, और इन दोनों टाइमों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? 3। अब न्यूमरेटर में से 480 कॉमन लें तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और ये माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। 3 से कैंसिल करें तो 1 6 0 है ना? एलसीएम ले लेते हैं, एक्स माइनस एक्स प्लस 8 और इनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 16, तो 1280 आ गया। अब ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स, इक्वेशन बनी हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 है ना? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस है 8 एक्स माइनस 1280,
यही इक्वेशन है हमारी। अब इसे सोल्व करें मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो एक्स स्क्वेयर माइनस, अब दो वैल्यू चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1280 हो और डिफरेंस जो है माइनस 8। माइनस का 40 ले लेते हैं और प्लस का 32। इन्हें ऐड करें तो माइनस का 8 आएगा और इनका प्रोडक्ट 1280 आएगा। इन दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 40, इन दोनों में से 32 कॉमन, तो x माइनस 40, और पूरी इक्वेशन में से x माइनस 40 कॉमन, तो x प्लस 32 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू हमारी जो है वो 40 आ गई एक तो, और ये एक्स की वैल्यू माइनस 32, तो नेगेटिव जो है वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि x की वैल्यू जो है, यानी स्पीड जो है वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है इस केस में कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए ये ना सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन तो बना दी पर इसे सोल्व नहीं किया। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ और फाइंड आउट करनी थी, तो इक्वेशन तो हमारे सामने है, बस सोल्व ही तो करनी है। अब फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो आएगा हमारा 1056। तो दो वैल्यू चाहिए हमें जिनका प्रोडक्ट 1056 हो और डिफरेंस 1। तो 32 और 33, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 या अब इसे सोल्व करें आगे। तो फर्स्ट टू पार्ट्स में से x को मना जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 33। बाद वाले जो दोनों पार्ट है इनमें से माइनस 16 को मना जाएगा, तो 2x प्लस 33 इक्वल टू
जीरो। अब 2x प्लस 33 कॉमन ले लें तो x माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों पार्ट को अलग अलग इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 33 बाई टू और x की वैल्यू 16। तो यहां लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही थी तो नेगेटिव तो हमारा पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 16, तो इसकी ब्रेथ जो है वो 16 है और लेंथ 33। इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज अब इसके अंदर क्या कहता है ये, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के, तो बिल्कुल कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो माइनस 5 और प्लस 2, प्रोडक्ट करने पे माइनस 10 आएगा और ऐड करने पे माइनस 3x। फर्स्ट टू वैल्यूज में से x को मान लेंगे x माइनस 5, बाद वाली जो दो वैल्यू है इनमें से 2 को मान लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। और पूरी इक्वेशन में से x माइनस 5 को मान लेंगे, ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू जो है हमारी एक तो 5y और एक x की वैल्यू हमारी माइनस 2। तो ये जो है रूट्स आ गए हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट पार्ट। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट में फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट माइनस 12x स्क्वेयर, तो मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है हमें, प्रोडक्ट जो है माइनस 12x स्क्वेयर आए और उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे x आए, तो 4 3 जा 12 होते हैं, तो प्लस का 4 लेंगे और माइनस का 3 लेंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। पहली दो वैल्यू में से 2x को मान ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2, बाद वाली दो वैल्यू है इनमें से माइनस 3 को मान लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। और पूरी इक्वेशन में से x प्लस 2 को मान ले तो ये बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। दोनों पार्टों को सेपरेट जीरो के इक्वल पुट करें तो
एक पार्ट से x की वैल्यू जो है वो माइनस टू आई और दूसरे पार्ट से x की वैल्यू 3 बाई। ये सोलो हो गया सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अगर कोई भी बात समझना है तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आराम से समझ लेना उसे। अब थर्ड पार्ट। रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट जो है वो 5 × 2 x² यानी कि 10x² है। √2 √2 होता है हमारा और 5 × 2 × x² तो 10x². अब बीच वाली वैल्यू को इस तरह से तोड़ना है हमें कि ये मल्टीप्लाई पे 10 दे और एडिशन पे 7, तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहां इन दोनों में से x कॉमन तो √2x प्लस 5, इन दोनों में से √2 कॉमन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 2 है उसका मतलब होता है √2 × √2। तो √2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहां पे √2 बचेगा √2x, और 5√2 में से √2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 5। अब पूरी इक्वेशन के अंदर से √2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में x बचेगा और सेकंड पार्ट में √2 बचेगा इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है वो माइनस √2 आई एक तो, और एक x की वैल्यू माइनस 5/√2। तो ये दो वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ फोर्थ पार्ट जो है हमारा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये देखते हैं, अब इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा जो कि क्या है 8। 8 एलसीएम आ गया। यहां 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16x² माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या 16x² फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है और बीच वाली टर्म को तोड़े
तो एडिशन करने पे माइनस एट एक्स आना चाहिए और प्रोडक्ट 16x2, तो माइनस फोर और माइनस फोर मल्टीप्लाई करने पे तो 16 होगा और वैसे ऐड करें तो माइनस एट होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो पार्ट में से क्या कॉमन लेंगे, 4x, तो क्या बचेगा फर्स्ट पार्ट में, 4x बचेगा, यहां बचेगा माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 4x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट में 4x बच गया और सेकंड में माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट जो है वो 4x माइनस 1 है, तो पहला पार्ट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा पार्ट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों से ही सेम वैल्यू जो है वो निकल के आएगी, x की वैल्यू 1 बाई 4 और यहां x की वैल्यू 1 बाई 4। तो उम्मीद है समझ आया होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर गिवन है 100 एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 100x स्क्वायर है, मिडल टर्म को अगर तोड़ दें तो 10 10 में तोड़ेंगे, ऐड करने पे माइनस 20 होगा और प्रोडक्ट पे 100 होगा, है ना। इन दोनों वैल्यू में से 10x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 100 में से 10 कॉमन गया तो 10 बचेगा और एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो एक्स बचेगा और यहाँ पे माइनस का वन, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले तो ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। या पूरी इक्वेशन में से 10x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 10x और यहां पे माइनस 1 इक्वल टू में 0। दोनों पार्टों को सेपरेट जीरो के इक्वल पुट करते हैं
टेन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसे आप होल स्क्वायर करके भी सोल्व करोगे तब भी सेम आएगा, टेन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू दोनों ही पार्टों से सेम है इसलिए सेम आएगी, वन बाय टेन, और यहां से भी वन बाय टेन। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल वन। अब जो एग्जांपल वन में जो प्रॉब्लम है वो आपको सोल्व करनी है, तो वो आप सोल्व कर लेना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया। सेकेंड नंबर जो है उसने बोला सम 27 है, तो सेकेंड नंबर क्या हुआ हमारा, सेकेंड नंबर जो है वो 27 माइनस एक्स, दोनों के सम में से फर्स्ट नंबर माइनस करे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद कहता है इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है, फर्स्ट का और सेकेंड का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करें तो 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 180। ये वैल्यू उधर भेजे तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 180। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 या इन दोनों में से x कॉमन ले तो x माइनस 30, इनमें से कॉमन ले तो माइनस 14, यानी x माइनस 14 13 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो ये दूसरा पार्ट जो है x माइनस 14 इक्वल टू 0 या। अब यहां क्या है कि दोनों पार्टों को सेपरेट सोल्व करें तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो है हमारी 13 आई और यहां से x की वैल्यू जो है वो 14। ठीक है, अब उसने बोला था दो नंबर है सम 27 होना चाहिए, तो पहला नंबर अगर 13 है तो सेकंड नंबर इसमें 14 हो जाएगा। इसमें भी वही बात है, 14 है सेकंड 13, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो वही रहे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में कहता है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम क्या है, स्क्वायर्स का सम 365। तो लेट फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, है ना। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, कंसेक्यूटिव है तो एक्स प्लस वन, है ना। सेकेंड नंबर एक्स प्लस वन। अब स्क्वेयर्स का सम, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो स्क्वेयर्स का सम लेना है। इनके स्क्वेयर्स का सम वो 365, ये तो एक्स स्क्वेयर, इसे एक्सपेंड करें ए की स्क्वेयर प्लस बी की स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 360। ये 2x स्क्वेयर प्लस 2x, ये 365 इधर भेजिए तो माइनस का 365 प्लस का वन, माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 उधर भेजेंगे तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पीछे जो क्वेश्चन किया वो भी तो सेम ही था, उसमें भी प्रोडक्ट क्या चाहिए था, 182 चाहिए था, और डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 13 और 14 का डिफरेंस 1 ही होता है। एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों पार्ट में से कॉमन ले लेते हैं x, तो ये x प्लस 14, बाद वाले दोनों पार्ट में से माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू जी, है ना। अब दोनों पार्टों में से x प्लस 14 को मिल लें तो ये बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। दोनों पार्टों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 13 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू हमारी माइनस 14, ठीक है। तो माइनस का 14 वो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो x की वैल्यू 13 है और x प्लस 1 जो है वो 14 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल है, इसका जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो एल्टीट्यूड को एक्स मान लेते हैं, बेस को 7 सेंटीमीटर ज्यादा मान लेते हैं, तो ये अपने आप ही 7 सेंटीमीटर कम होगा। बेस x प्लस 7 है,
तो इसमें से सात माइनस करें तो क्या आएगा, एक्स आएगा, तो सात कमी तो हुआ ठीक। इफ द हाइपोटन्यूज इज 13, तो जो हाइपोटन्यूज है वो क्या है 13, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटन्यूज। फाइंड द अदर टू साइड, तो बाकी की दो साइड जो है वो निकालो। अब राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है क्या कहते हैं, कि हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये जो है 169 है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करें तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2a 14, आ गया समझ में। अब 49 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 120, और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये 14x। अब जो पूरी इक्वेशन है इसे 2 से डिवाइड करें तो ये 60, ये x स्क्वायर, और ये 7x। 60 उधर भेजें तो इधर 0, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ये आ गया। इसे आगे सोल्व करें तो x स्क्वायर 12x माइनस 5x माइनस 60, इन दोनों का प्रोडक्ट 60 है, और 12 माइनस 5 क्या होता है 7। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, और बाद वाले दोनों में से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, और ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है 0। दोनों पार्ट में से x प्लस 12 कॉमन आ रहे हैं तो एक कॉमन ले लिया, फर्स्ट में से 5x बच गया और सेकंड में से 5, ये आ गया। अब x प्लस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे और सेकंड पार्ट x माइनस 5 इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये x की वैल्यू हमारी 5 आ गई और ये x की वैल्यू हमारी माइनस 12। तो नेगेटिव में जो लेंथ है वो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 5 है और x प्लस 7 जो है वो क्या हो जाएगा 12, तो बेस 12 है, हाइपोटन्यूज 5 है। इसी के साथ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे।
कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो वो कंपनी बनाती है उन्हें मान लेते हैं एक्स. नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज इक्वल टू एक्स. अब वो ये कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वाज थ्री मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वो क्या आएगी इसके डबल से थ्री ज्यादा है 2x+3 है ना. और बाद में कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 9. अब दिन में जो टोटल कॉस्ट लगी है प्रोडक्शन की वो 90 है. तो वो एक दिन में कितने आर्टिकल बनाता है एक्स. और पर आर्टिकल जो कॉस्ट है वो 2x+3 है और टोटल जो है वो 90 है ना. मल्टीप्लाई करे 2x² + 3x 90 इधर भेजो -90 इज इक्वल टू 0. अब ये आ गया 180. अब ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है जिनका डिफरेंस जो है वो 3 हो और प्रोडक्ट करने पे 180 है ना. तो 2x² + 15x - 12x 15 - 12 3 होता है और 15 × 12 180 होता है. -90 = 0. यहां दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 2x + 15 आ जाएगा या इन दोनों में से 6 कॉमन लेंगे तो 2x + 15 आ जाएगा इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन में से 2x + 15 को मान लेंगे तो ये बचेगा x और ये बचेगा 6 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट पार्ट को 0 के इक्वल रखें और फिर सेकेंड पार्ट को 0 के इक्वल रखें तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल आएगी 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0. x की वैल्यू -15/2 और यहां x की वैल्यू 6. तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकते तो x की वैल्यू जो है हमारी क्या है 6 है और नंबर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 15. इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है सेकंड वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी. अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 4.3. तो चलिए अगली एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वेयर टेबल्स है ना. तो उस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार कंप्लीट स्क्वेयर कैसे बनाते हैं वो समझा फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करें ठीक है.
तो यहां आप समझिए कि कंप्लीट स्क्वेयर बनाने के लिए सिर्फ दो ही फॉर्मूले, एक तो a प्लस बी की होल स्क्वेयर और एक a माइनस बी की होल स्क्वेयर, है ना। ये दो फॉर्मूले हैं सिर्फ, ध्यान रखना। इसे एक्सपेंड करें तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a, है ना। और इसे एक्सपेंड करें तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a, ये यानी कि अगर तीनों वैल्यू प्लस की हैं तो a प्लस बी की होल स्क्वायर बनेगा, और 2 + 1 नेगेटिव है तो a माइनस बी की होल स्क्वायर बनेगा। अब इसकी पहचान क्या होगी वो आपको धीरे धीरे समझा दूंगा मैं, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो क्या है इसमें कि जब आप कंप्लीट स्क्वायर बनाते हो ना तो वो वेरिएबल की फॉर्म में मिलेगा x और y, ए बी भी एक की बात है और एक्स वाई भी एक ही बात है। मैं साथ साथ इसके एक्स और वाई भी लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x। अब जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, आपको एक्स स्क्वेयर मिलेगा और 2xy मिलेगा, अगर तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव की है, तो आप समझ जाइए कि फॉर्मूला a प्लस बी की होल स्क्वेयर का बनेगा। यदि दोनों वैल्यू नेगेटिव की है तब भी यही बने, क्योंकि नेगेटिव कॉमन आ जाए, और जब वैल्यू हमेशा आपको दो ही मिलने वाली है, ये एक्स स्क्वेयर और 2xy, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो समझ जाइए कि a माइनस बी की होल स्क्वेयर का फॉर्मूला ही बने। तो जो मिसिंग वैल्यू होगी वो वाई स्क्वेयर की है, और इसकी बात करें तो आपके पास ए स्क्वेयर मौजूद होगा, 2ab मौजूद होगा, मिसिंग होगा बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मौजूद होगा, माइनस 2ab मौजूद होगा, मिसिंग होगा बी स्क्वेयर। अब समझो कैसे, आपको उसे कन्वर्ट करना है कंप्लीट स्क्वेयर, जैसे उसने दे दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में वो आपको क्या देगा, दो चीजें देगा सर, एक तो एक्स स्क्वेयर देगा और एक 2xy देगा, मिसिंग होगा आपका वाई स्क्वायर, है ना। ए बी के आधार पे देखें तो ए स्क्वेयर और 2ab मौजूद होगा, मिसिंग होगा बी स्क्वायर। अब बी की पहचान कैसे होगी, कैसे इजीली निकालेंगे, वही हम डिस्कस करेंगे। तो पहला काम तो ये है कि आप ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, इसे बिल्कुल भूल जाओ, ये हमारे काम की नहीं, इसे दूसरी तरफ भी भेज सकते हो तो भेज दे। ये दो वैल्यू बची, अब ये एक्स स्क्वेयर, इसे आप एक्स स्क्वेयर ही बोलो या ए स्क्वेयर बोलो, एक ही बात, तो ये तो डायरेक्ट मैच है। ये वैल्यू जो है ये आपकी 2ab के या 2xy के,
इसके इक्वल है, 2ab या 2xy के इक्वल है, तो इसे लिख देते हैं, 2ab इज इक्वल टू 4x। आपको पता है कि ए स्क्वेयर हमारा एक्स स्क्वेयर के इक्वल था, तो ए की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स थी, एक्स स्क्वेयर के इक्वल था तो एक्स की एक्स थी। मैं यहां से समझा रहा हूं, ए स्क्वेयर की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू हमारी एक्स, तो ए एक्स के इक्वल है तो ये कैंसिल। बी की वैल्यू क्या आई, 4/2, यानी कि जो वैल्यू एक्स के साथ थी उसका हाफ किया तो हमें बी की वैल्यू मिली जो कि क्या है। तो समझना मैंने कैसे निकाला वो, कि जो वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई थी, ए और एक्स तो कैंसिल हो, जो एक्स के साथ थी वो ये टू उधर चला गया और टू से वैल्यू डिवाइड होगी तो बी की वैल्यू मिल गई। आपको ये सब लिखने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। आप जो वैल्यू एक्स के साथ है मल्टीप्लाई है उसका हाफ कर दो, आपको डायरेक्टली बी की वैल्यू मिल जाए, है क्या नहीं, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वेयर 4x, ये आपका ए स्क्वेयर, ये 2ab, आपकी मिसिंग वैल्यू बी स्क्वेयर ही है और बी की वैल्यू आई हमारी 2, यानी कि जो भी वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई है उसका हाफ करते ही आपकी बी की वैल्यू आती है हमेशा, तो बी की वैल्यू आई हमारी 2, तो 2 का स्क्वेयर इधर रख दो। अब ये हम क्वेश्चन में अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ आपको 2 का स्क्वेयर रखना पड़ेगा, समझ आ गया। ये ए स्क्वेयर हो गया, ये बी स्क्वेयर हो गया, ये 2ab हो गया, तो ये बन गया a प्लस बी की होल स्क्वेयर, और ये 4 - 1 = 3, ये कंप्लीट स्क्वेयर बन गया। इस तरह से कंप्लीट स्क्वेयर बना, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया हो। एक्स स्क्वेयर से समझो, तो एक्स स्क्वेयर के इक्वल है तो x की वैल्यू x, 2xy 4 के इक्वल है, x x कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वेयर दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो ये एक्स स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर, ये 2xy, तो x प्लस वाई की होल स्क्वेयर, समझ आ गया। तो मैंने बताया आपको दो वैल्यू ही मिलेंगी, ए स्क्वेयर और 2ab मिलेगा, दोनों प्लस की है तो प्लस का बनेगा, और एक प्लस और एक माइनस की है तो माइनस का बनेगा, बस ध्यान रखो। और जो वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई है उसका हाफ करने पे आपका बी आ जाएगा डायरेक्ट, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के साथ कंपेयर करना। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, मैंने बोला आपका एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर से कंपेयर करना, तो मतलब एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे हटा लें, तब डायरेक्टली उस चीज़ को कंपेयर करें।